बंद कर बंद कर बंद कर। बंद कर दे कर दे। आज जो हम ये इसका जो स्टीनर होता है ना वो फ्लश करने लगे हैं। आपको दिखाते हैं कैसे फ्लश करते हैं इसको। ये इसकी सप्लाई लाइन आ रही है, ये इसकी रिटर्न है। हम इसको पहले ना सप्लाई को वहाँ से बंद कर देंगे, वो वाल लगा बंद करके, फिर ये जो वाल है ये रिटर्न वाला, रिटर्न से इसको फ्लशिंग करेंगे। ये खुला होगा ना उधर से, वहाँ से ये बाईपास होगी, इधर यहाँ से पानी आएगा। ये एक्चुएटर वाल लगा हुआ है। अभी वो स्ट्रीनर खोलने लगा, आपको दिखाते हैं इसका स्ट्रीनर। इधर से इधर ये पानी आ रहा है। आपने वो वीडियो के स्टार्ट में देखा, एयर को जो है ना वो फ्लश कर रहे हैं, एयर को साफ़ कर रहे हैं। इसकी कूलिंग की प्रॉब्लम थी, कूलिंग की प्रॉब्लम यही होती है कि आपका या तो स्ट्रीनर साफ़ नहीं है या आपका एक्चुएटर वाल बंद है। जब स्ट्रीनर साफ़ नहीं होगा तो आपकी कूलिंग नहीं आएगी। या आप स्ट्रीनर की हालत देखें, इसी वजह से जो है ना कूलिंग नहीं आती। स्ट्रीनर ब्लॉक होता है तो कूलिंग नहीं आती। आपका पानी पीछे सही आ रहा है, वाल आपके खुले हुए हैं, जब स्ट्रीनर ब्लॉक होगा तो कूलिंग कैसे आएगी। इसको फिर खोल के स्ट्रीनर साफ़ करना पड़ता है और ये चूपे जो है ना वो फ्लश करना पड़ता है। एयर चूपे अंदर जो कॉयल है वो उसके अंदर भी मटी जमी होती है। फिर आप पहले उसको फ्लश करें अंदर से, सारा पानी जो है वो निकलेगा, मटी उसको निकलेगी, तो उसके बाद जो है आपका कूलिंग का जो मसला है वो हल हो जाएगा। आपने जब फ्लश करना है ना, आपने इसकी सप्लाई लाइन को बंद कर देना वाल को और रिटर्न को खोल देना। रिटर्न वाल जो है उधर से वापसी, रिटर्न से ये सप्लाई के अंदर बाईपास होगा, इसके दरमियान वो फिर उधर से वापसी आएगी, पानी आएगा। भाई सारी मट्टी जा रही है, देखें ये फिर ऐसे मट्टी जो है ना जो अंदर कोयल के अंदर जमी होती है ना, ये सारी मट्टी कटी है, तो आपका कूलिंग का मसला भी हल हो जाएगा।